एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांग के अपना जीवन यापन करता था। रोज की तरह उस दिन भी भिखारी ट्रेन आने के बाद एक डब्बे में चढ़ गया। वहां बैठे व्यक्तियों से भीख मांगने लगा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। ऐसा बोलते हुए वो आगे बढ़ रहा था। उस डिब्बे में एक सज्जन व्यक्ति को देखकर उनके पास पहुंचा और बोला, साहब मुझे कुछ भीख दे दो। उस सज्जन व्यक्ति ने बोला फिर उससे कि ठीक है, मैं तुम्हें भीख दूंगा, पर मुझे ये बताओ कि उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। इस पर भिखारी बोला, सर मैं तो भिखारी हूं, मैं भला आपको क्या दे सकता हूं। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बोला कि जब तक तुम मुझे कुछ नहीं देते तब तक मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता। ये सुनकर भिखारी बोला, क्या आप पागल हो, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं भिखारी हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, फिर भी आप मुझसे कुछ देने की बात कर रहे हैं। इस पर वो व्यक्ति बोला कि हाँ, जब तक तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। इसी जद्दोजहद में ट्रेन चल निकली और भिखारी नाराज होकर उस डब्बे से नीचे उतर गया। ट्रेन आगे चली गई। भिखारी शाम तक घर जाते जाते कटकटाते हुए गुस्सा करते हुए घर जा रहा। पागल हो गया है वो सेठ, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ होता तो मैं भीख क्यों मांगता। उसको समझ नहीं आता, ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, ऐसा है वैसा है। बहुत सारी गालियां दी उनको और रात भर ऐसे ही बड़बड़ाते हुए सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो उसके माइंड में यही चीज चल रहा था कि तू मुझे कुछ देगा तो ही मैं तुझे भीख दूंगा। जब उसका माइंड शांत हुआ तब वह सोचा कि वास्तव में मैंने जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ लिया ही लिया। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, क्या मैं किसी को कुछ दे सकता हूं। ये सोचते हुए वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए रास्ते में निकला और वो रास्ते में एक फूलों का झाड़ देखा जिसमें अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे। उसने वहां से फूल तोड़ा और ये सोचा कि जो भी मेरे को भीख देगा मैं उसको एक फूल दूंगा। और ये फूल लेके वो स्टेशन पहुंच गया। किसी ने उसको भीख दिया तो उसने एक फूल उसको बनाया, एक रुपया दिया एक फूल दिया, 10 रुपये दिया तो फूल दिया। आज उसको किस्मत से ज्यादा भीख मिली। धीरे धीरे वो रेलवे स्टेशन पर फेमस हो गया, फूल देने वाला भिखारी। जो भी ट्रेन रुकती थी तो कौतूहल का विषय हो जाता था कि अरे वो फूल देने वाला भिखारी कहाँ है। कुछ दिनों के बाद वो भिखारी वापस से उस ट्रेन में चढ़ा और उस दिन वो सज्जन व्यक्ति उस ट्रेन में बैठे हुए थे। तो जैसे ही वो सज्जन व्यक्ति को भिखारी ने देखा तो दौड़ के उनके पास पहुंचा। अरे सेठ जी आपने मुझे पहचाना। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, हाँ मैंने पहचाना, क्यों नहीं। साहब आज तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आज तो आपको भीख देना पड़ेगा। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको कुछ दूंगा तो आप मुझे भीख दोगे, तो मैं आज आपको फूल देता हूँ, उसके बदले में आप मुझको भीख। सेठ जी हंसे और 10 रुपये उसको देते हुए हंसते हुए बोले कि अरे तू तो व्यापारी बन गया। ट्रेन चल पड़ी, सेठ जी आगे निकल गए, भिखारी डब्बे से नीचे उतर गया। उस दिन रात भर उसको नींद नहीं आई। सेठ जी ने क्या कह दिया, ओह माय गॉड मैं तो व्यापारी बन गया, ओह माय गॉड वास्तव में मुझे पैसे दिए इसलिए मैंने उनको फूल दिया, मैंने उनको फूल दिया इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दिया, मैं तो व्यापारी बन गया। और ऐसा करके कुछ सालों के बाद दो व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, सूटेड वूटेड एकदम टेप टॉप। एक ने दूसरे से पूछा, सर आपने मुझे पहचाना। सेठ जी ने आश्चर्य से देखा और बोले, नहीं। तो फिर वो व्यक्ति ने बोला कि सर पहली बार इसी रेलवे स्टेशन पर हम मिले थे जब मैं आपसे भीख मांगने आया था और आपने कहा था कि तू मुझे कुछ देगा तो ही मैं तुझे भीख दूंगा। उस समय मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, मुझे लगा था कि मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आपकी बात से प्रेरित होकर मैंने फूल देना शुरू किया। और दूसरी बार जब आप रेलवे स्टेशन पर आए थे तब मैंने आपको फूल दिया था, तो उस समय आपने मुझे बोला था कि तू तो व्यापारी बन गया, और उसके बाद से मैंने इस शहर में फूल बेचने का काम चालू कर दिया और इस शहर का आज मैं सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी हूं। तो सेठ जी ने इस पर मुस्कुराते हुए बोला, देखा कभी किसी को नहीं बोलना कि मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान क्या पता भिखारी ना बना दे।
हमेशा देने की बात सोचो। तो वो भिखारी जो था उसने सेठ जी के पांव छुए और बोले कि सेठ जी आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आपका एक छोटा सा सलाह मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया, धन्यवाद सेठ जी मेरे को बदलने के लिए। तो सेठ जी ने बोला कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, हमेशा देने पे फोकस करो क्योंकि जब आप कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा और इस तरह से आपकी लाइफ एकदम इजी होती जाएगी। दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी से आपको सीखने लायक है कि आप भी अपने लाइफ में छोटे छोटे थॉट्स पे काम करो, छोटे छोटे विचारों को अपने जीवन में उतारते जाओ और जब भी कुछ देने की बारी है, चाहे आपका नॉलेज हो, चाहे आपको कुछ किसी को हेल्प करना हो, वो करते जाओ। इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। ये एक फिलोसफी पे जियो। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट डे।